जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भानपुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटे आमापाल में बीते 19 अप्रैल को एक शादी समारोह के दौरान दुल्हन पर एसिड अटैक किए जाने के मामले में पुलिस ने दूल्हे की प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने इस मामले को सुलझा लेने का दावा करते हुए बताया, बीते 10 वर्षों से आरोपी युवती और दूल्हे के बीच प्रेम संबंध था। युवक युवती को लगातार झांसी में रखे हुए था और शादी की जानकारी भी युवक के द्वारा अपनी प्रेमिका को नहीं दी गई थी। आरोपी युवती को सगाई और शादी की जानकारी जब लगी तब उसने बदला लेने की नीयत से युवक पर एसिड अटैक करने का निर्णय लिया। 19 अप्रैल की शाम छोटे आमाबाल में शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान आरोपी युवती पैंट शर्ट पहनकर यहां पर पहुंची। लाइट गोल होने के चलते आरोपी की पहचान नहीं हो पाई थी। युवती ने दूल्हे को निशाना बनाते हुए एसिड फेंका था, लेकिन इसकी चपेट में दुल्हन और बाकी लोग भी आ गए। इस पूरे घटनाक्रम में तकरीबन दर्जन भर लोग घायल हुए थे, जिन्हें बाद में भानपुरी स्थित सिविल अस्पताल उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। गंभीर रूप से घायलों को महारानी अस्पताल में लाया गया था। इस मामले में भानपुरी थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 326 का के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई युवती कांवर गांव की निवासी है। बताया जा रहा है कि प्रेमी दूल्हा के साथ तकरीबन 10 सालों से युवती के संबंध थे। आरोपी युवती ने प्रेमी दूल्हे पर झूठ बोलने और शादी की बात छुपाने का आरोप लगाया है। आरोपी युवती ने अदरक साफ करने के लिए उपयोग होने वाले केमिकल का उपयोग इस वारदात में किया था। चैनल हेड योगी सिद्धार्थ, जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। तेजाब डाल के धोखा दे रहे, शादी करवाए बोलूँ बोलूँ, 7 साल में बात करते रहे, मके ऐसु करें पर करें बोलूँ बोलूँ नहीं करें, तो शादी होली सगाई होली बोलूँ बोलूँ मक पता नहीं रहे। एक जन लेका सांग लो मक मिलुक बली लो, फिर बल नहीं सांगे आप लोग माड़ बस नहीं दी, फिर बोल मिल लोग गए लो, मतलब पैसा मांग रहे 1500, हों जो जगह 5000 आनंद देते रहे मैंने, मतलब उतर कितरवास बोल गनुन बोल नहीं देखे मैं, मतलब फिर उन पैसा तू ही किधर रहा मैं का बनावाए, तो काम ही वाय बोल ले, तो नहीं छाण उन पर आतका जो रहे बोले किलो बराबर, तो मैं उन पैसा दी ले तो गए लो, फिर बोल नहीं सांग मके, तो मैं एक झन लेगा लगन पूछ ले गुन खो सत्य आए बोल लो शादी हो से फिर लाभाटा आए बोल लो, तो ग्रीस ग्रीस लग ली तुके हां तो तुके कौन संग लगी उन एसिड पकले जरूर है उल्टी कान की नी मिर्ची पलाड ने चलाओ तो एक नीचे उतरा जलू आए बोल कितना मानी रुई एसिड इतना मानी ज्यादा नहीं घटना पिछले 19 अप्रैल की है, जहां थाना भानपुरी क्षेत्र अंतर्गत छोटे आमाबाले गांव है, जहां पर एक युवक युवती का विवाह समारोह था और इस विवाह समारोह के दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने यहां एक एसिड जैसी केमिकल का उपयोग करके स्प्रिंकल कर दिया था, जिससे कि दूल्हा दुल्हन और शादी समारोह में शामिल हुए 8 से 10 लोग उसमें घायल हो गए थे। इस पूरी घटना पे थाना भानपुरी में 326 का भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी। जब पूछताछ किया गया तो बताया, ऐसा जिन लोगों ने देखा था उन्होंने बताया कि वैसे तो अंधेरा था क्योंकि लाइट नहीं थी, लेकिन एक छोटे कद के एक कोई व्यक्ति जिसने शर्ट पैंट पहना हुआ था, इस हुलिये का विवरण वहाँ के उपस्थित लोगों ने दिया। इसके आधार पर बहुत सारे CCTV कैमरे देखे गए, जो भी देहात इलाके में उपलब्ध था उसको देखा गया, तकनीकी साक्ष्य संकलित किया गया, गांव में मुखबिर तैनात किए गए, पुलिस बल को भी वहाँ पर सिविल स्टाफ में लगाया गया। दोनों ही युवक युवतियों के पारिवारिक पृष्ठभूमि का और उनके स्वयं के भी पृष्ठभूमि का अध्ययन किया गया। उनके जो मित्र हैं, जिनसे उनकी अच्छी मित्रता है, जिनसे वो बातें शेयर करते हैं, किनसे संपर्क है, इन सब बिंदुओं पर जानकारी हासिल की गई। इसी दौरान जो मुखबिर हमने तैनात किए थे उन लोगों ने एक इन्फॉर्मेशन ये निकल के आई कि यह कार्य किसी लड़की के द्वारा किया गया है और अपनी पहचान छुपाने के लिए एक पैंट शर्ट पहन के इस घटना को अंजाम दिया गया है। और उस युवती के बारे में भी बताया गया कि उसका जो युवक है जिसकी शादी हो रही है उससे उसका पुराना मित्रता है।
इसके इस इंफॉर्मेशन के आधार पर इसको डेवलप किया गया और कावर गांव की निवासी एक महिला को बुलाकर पूछताछ किया गया, जिसने ये बताया कि उसका लगभग 10 साल से युवक के साथ प्रेम संबंध रहा और उसे यह इस बात की इंफॉर्मेशन किसी ने दी थी कि उसकी सगाई और शादी हो रही है, लेकिन युवक ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके सामने उसे धोखे में रख करके वह विवाह कर रहा था। इससे वो अत्यंत दुखी और क्रोधित होकर उसने जहाँ पर वो काम करती थी मिर्ची बाड़ी, वहाँ जो ड्रिप को क्लीन करने के लिए एसिड रखा जाता है, वहाँ से उसने चुराया था और एक डब्बे में रख के जिस दिन शादी थी उस दिन घटनास्थल तक वो गई। थोड़ी दूर तक सिंपल वाहन में जिसमें उन डेली आना जाना करती थी उसमें गई, फिर थोड़ी देर बाद वो पैदल उस गांव में उतर के घटनास्थल तक पहुंची। वहां जाने के बाद उसने पहले तस्दीक किया कि ये वही युवक है और उसके बाद उसने क्रोध में आके उस पर इस केमिकल का उपयोग किया था।